मेरा नाम महेंद्र चौहान है और मेरा लड़का है आदित्य चौहान। उसको अभी 2-3 साल से हमें उसकी सुनाई नहीं देने की प्रॉब्लम लग रही थी, क्योंकि जो उसका बोलने का तरीका था वो दूसरे को समझ में नहीं आ रहा था। वो क्या बोलता था, जो भी उसके वर्ड थे ना तो टीचर को समझ में आ रहे थे ना तो ट्यूशन में समझ में आ रहे थे। तो हमने फिर कान वाले डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने तो बोल दिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक ठाक है। तो भी उसका कोई प्रॉब्लम हल नहीं हो रहा था। तो हमने फिर दूसरी जगह और टेस्ट किया स्पीच थेरेपिस्ट के पास, तो उन्होंने देखा कि इसकी जो प्रॉब्लम है बोलने की प्रॉब्लम नहीं, उसके सुनने का प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके कान में ही आवाज़ नहीं जाएगी तो बोलेगा क्या। तो फिर अलग अलग टेस्ट किए तो उसमें पता चला कि उसकी सुनने की प्रॉब्लम है, वो सुन नहीं पाता है ठीक से, सुनता है लेकिन बहुत कम परसेंट में सुनता है। तो फिर वहाँ भी हमने ट्रीटमेंट किया लेकिन कोई इतना वो नहीं हुआ, असर नहीं हुआ। तो उन्होंने फिर बाद में बोला कि आपको मालूम नहीं होता है तो कॉकलिया इम्प्लांट करना पड़ेगा, लेकिन वो तो बहुत महंगा भी है और सक्सेस होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, कि वो आखिर मशीनरी है अंदर डाला जाता है उसमें प्रॉब्लम होगा तो मतलब कोई भरोसा नहीं उसका। तो फिर हमने ऐसे उसका ढूंढ ही रहे थे कहीं ना कहीं इलाज, इसको पूछो, इस डॉक्टर को पूछो, दोस्त को पूछो, फिर ऐसे ढूंढते ढूंढते यूट्यूब पे प्रवीण सुराना डीप क्यूरनेस उसके बारे में हमने पहला वीडियो देखा। तो वो देखने बाद थोड़ा मतलब वो उसके जो अलग अलग पेशेंट थे उनका रिएक्शन था कि हमें जो भी हमारा बच्चों का प्रॉब्लम था, खुद का प्रॉब्लम था, वो अच्छा होने लगा है। हमने एक वीडियो देखा, फिर दूसरा देखा, तीसरा देखा, फिर वो देख के थोड़ा सा वो होने लगा कि एक को हुआ दूसरे को हुआ तो ये तो फेक नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ किसी को उसके बारे में अच्छा लगा होगा तो ही उन्होंने वीडियो किया होगा। फिर प्रवीण सुराना सर की इंडिया न्यूज़ उसके उनकी इंटरव्यू थी, जो इंटरव्यू रहे थे उनको क्वेश्चन पूछ रहे थे उसके बारे में बता रहे थे। तो उसमें सबसे जो अच्छा लगा कि ना कोई ऑपरेशन ना कोई मशीन, बिना इसके नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट उन्होंने करते हैं ऐसे उन्होंने बताया। तो फिर हम सोच रहे थे क्या करें, जाए ना जाए, छुट्टी का भी प्रॉब्लम था। तो फिर फोन लगाया, बोला आप आ सकते हैं एक दिन पूछ के। तो फिर हमने अभी उसकी छुट्टी शुरू हो गई तो डिसाइड कर लिया कि जाना है, क्योंकि उसकी एज बढ़ रही है। तो आज हम यहाँ पे आए, शुरू में उन्होंने पूरा उसके बारे में पूछा, हिस्ट्री पूछी, उसके बाद जो जैसे बताया था कोई चेंज नहीं, जो यूट्यूब पे बताया हुआ है उस प्रोसीजर में कोई चेंजेस नहीं। आने के बाद पूरा डिटेल में पूछा, उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू की। पहले ट्रीटमेंट उसने बताया था कि कान में दवा डाली जाएगी, वैसे ही दवा डाली, उसके बाद फिर दवा जो ये था दवा का असर हो गया, फिर उसका टेस्ट लिया गया कि पहले में और उस अभी में क्या अंतर है। तो मुझे थोड़ा थोड़ा अभी उसका जो पहले वाला जो प्रॉब्लम था वो आज ही पहले दिन ही थोड़ा सा कम होने में प्रॉब्लम कम हो रहा है ऐसा महसूस हो रहा है, पर अभी 3 महीने की दवाई दी है तो आशा है कि पूरी तरह से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और मेरा बच्चा पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा। आपको भी जिसका भी कोई प्रॉब्लम होगा खास करके कान के बारे में, कि हर जगह हम जाते हैं वो वही बताते कान का कोई इलाज नहीं, ऐसा नहीं, आप एक बार यहाँ आके आके देखो और ट्रायल कर सकते हैं कि जो आपने इधर उधर इलाज किया तो एक बार यहाँ पर भी आप इलाज ले सकते हैं और आपको भी उसका भरोसा हो जाएगा कि जो यूट्यूब वीडियो में या अलग अलग मीडिया में दिखाया जा रहा है वो पूरी तरह से